ये लेबर कॉलोनी की बहुत बढ़िया भव्य रामलीला का मंचन वहाँ पर होता है। पिछले साल भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उसका संयोजक मेला संयोजक था, और इतनी वर्षा हुई पिछली बार, उसके बाद भी बहुत ही भव्य तरीके से रामलीला का मंचन हुआ। ग्राउंड में पानी भरे होने के कारण भी भक्तगण पानी के अंदर भी बैठे रहे और रामलीला का भव्य मंचन उन लोगों ने देखा। तो इस तरीके का मंचन मैंने मुख्य रामलीला के अंदर भी इतना आकर्षक मंचन नहीं देखा। इस तरीके का जो मुंह से संवाद करके जो मंचन होता है, एक पीछे से श्लोकों के ऊपर जो मंचन हो वो करना आसान होता है, लेकिन जो अपने मुंह से एक एक शब्द उसके निकल के हर एक पात्र उसका मंचन करे वो बहुत मुश्किल होता है। तो रामलीला का ऐसा मंचन आपको वाकई आनंदित करेगा, और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग रामलीला में आके भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये एक ऐसा मंचन होगा जो आपको दिखने में सजीव चित्रण होगा। जो पात्र उसको एक तरह से जब उसका खुद मुंह से मंचन करेंगे तो आप सबको लगेगा कि स्वतः रामलीला जैसे आपने टीवी में देखी वही रामलीला आपके समक्ष प्रस्तुत की है। श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति लेवर कॉलोनी द्वारा विगत 42 वर्षों से लेवर कॉलोनी के प्रांगण में रामलीला का मंचन हो रहा है। इसमें हमारी रामबरात शोभा यात्रा चंद्रवार गेट से निकलेगी, जो 12 अक्टूबर को निकलेगी। हमारी रामलीला शाम को 8 बजे प्रारंभ होती है और लगभग रात के 11-12 बजे तक चलती है। इसमें काफ़ी आकर्षक लीलाएँ होती हैं। रावण का बड़ा पुतला बनाते हैं, मेले में झूले और इस तरह की दुकानें, चाट पकौड़े की दुकानें लगती हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि शाम को रामलीला का मंचन के समय 8 बजे मैदान में उपस्थित हुआ करें।